नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार दिन और बहुत ही वोलेटाइल रहा मार्केट। और बाजार बिल्कुल वैसा ही चला जैसे हम लोगों ने प्लान किया था। आपको मालूम है कि मैं जितनी भी स्टडी करता हूँ, स्टडी के साथ में मेरा एक बिल्कुल बेहद सटीक टूल जिसको मैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर कहता हूँ, उसको यूज़ करता हूँ। और अगर आपको ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर चाहिए तो उसको लेने के तीन तरीके हैं। एक तो है अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं, दिल्ली की क्लास है हमारी 24 अप्रैल को, और उसके साथ आपको 1 साल के लिए उसका एक्सेस बिल्कुल फ्री मिलता है, या फिर आप उसको परचेज कर सकते हैं। साल की फीस उसकी 17,700 है, ट्रायल उसका महंगा है, 5,900 की इसकी फीस रखिए, क्योंकि मुझे मालूम है इसकी वर्थ है। और अगर आप फ्री में चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी ब्रोकिंग के लिंक दिए हुए हैं, कितनी ब्रोकर्स हैं, जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक्स है और बहुत सारे हैं, जो आपको पसंद है आप उसके साथ अकाउंट खोलिए और हमें आप उसका प्रूफ भेज दीजिए कि आपने अकाउंट खोलिए। और आपको एक्टिव रहना है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। डमी लोगों के लिए ये बिल्कुल भी फ्री सर्विसेज नहीं है। तो अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आपको जिस महीने आप एक्टिव होंगे उस महीने के लिए आप इसको, इस कैलकुलेटर को फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए। नीचे दिए गए नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्लासेस के लिए भी और कैलकुलेटर के लिए भी। चलिए देखते हैं बाजार आज कैसा रहा और कल कैसा रह सकता है। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, दिस इज़ ओनली प्योर माई ऑब्जर्वेशन ऑफ द मार्केट। ये दिस इज़ फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज। तो प्लीज़ ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस करके ही ट्रेड ले। दोस्तों आज थोड़ा सा गला खराब है पिछले एक हफ्ते से, तो प्लीज़ बियर मी विद माई बैड थ्रोट। देखते हैं बाजार कैसा रहा और कैलकुलेटर ने हमारी क्या हेल्प की होती अगर आपके पास एक कैलकुलेटर होता तो, ठीक है। और मैं इसको कैसे यूज करता हूँ खुद ही खाता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है गाइस। तो निफ्टी में कुछ लाइंस मैंने ऑलरेडी की हैं जहाँ पे हाई लोस और कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए हैं। क्या मार्क किया, क्यों मार्क किया, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने 18,176 जो आज का हाई रहा उसको मार्क किया मैंने, 18,176। फिर मैंने एक लेवल मार्क किया 18,091.98, मतलब ऑलमोस्ट 18,090। वो क्यों मार्क किया देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन अगर देखेंगे बाजार इस लेवल को पार नहीं कर पा रहा था। फिर जब ये लेवल टूटा तो इसको फिर ऊपर की तरफ नहीं पार कर पा रहा था, और जब तक ये लेवल रेजिस्टेंस का काम था बाजार ऊपर नहीं जा रहा था। इसको तोड़ा, बाजार ने एक नया हाई बनाया, फिर वापस वहीं रुका, और उसके बाद इसको तोड़ने के बाद फिर बाजार नीचे आया। उससे पहले भी ऐसा ही हुआ, इसी लेवल से ही बाजार पहले भी गिरा था। तो दिस 18,090 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, राइट, ठीक है। 18,176 मैंने हाई को मार्क किया है, और ये मैंने मार्क किया जब 17,955 जहाँ इससे पहले का एक बॉटम बना हुआ था, ठीक है ना, उसके आसपास की कहानी है। अब ये कहानी मैंने कहाँ से निकाली, आप देखिए ये बिल्कुल कहानी एग्जैक्टली क्यों चार्ट बिल्कुल कैसे बिहेव करता है। अब लोग कहते हैं चार्ट कैसा बनेगा, चार्ट कैसा बनेगा। मुझे मालूम है चार्ट कैसा बनेगा, क्योंकि मैं इस टूल को मैं खुद बना चुका हूँ, इस टूल पर मैं काम करता हूँ, इसी टूल के हिसाब से मैं काम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्लियर है 17,956 का एक ब्रेकआउट का लेवल, 17,556 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, आपको मालूम होगा, पुरानी वीडियोस में आपको दे चुका हूँ। यहाँ पे 17,956 का एक मेजर मेजर सपोर्ट है। ये सपोर्ट कहाँ से है, 17,956, ये सपोर्ट आपके सामने 17,956 यहाँ मैंने मार्क नहीं किया है, ये ऑलरेडी बाजार ने आपको दिया है। ये लेवल 18,090 जिसको बाजार पार नहीं कर पा रहा था, जिससे बार बार गिर रहा था, ये लेवल मैंने नहीं दिया, ये कैलकुलेटर ने दिया है। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि मार्केट इज़ जस्ट अ नंबर गेम। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेड करने के लिए आपको बहुत मुश्किल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको ट्रेंड देखना आता है, ट्रेंड देखने के साथ में अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑप्शंस को भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस विदाउट नोइंग ग्रीक्स। अगर आपको ग्रीक्स नहीं भी मालूम है तो भी आप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। अगला लेवल 18,255, ये 225 ये रेजिस्टेंस है, अगर ये पार होगा तो नेक्स्ट लेवल होगा। 18,225 पार नहीं होता है और बाजार में 18,176 से मार्केट घूम जाती है। यहाँ पे डबल टॉप कन्फर्मेशन होती है इसी प्राइस के आसपास में, आधे घंटे उसको बाजार क्रॉस नहीं करता है, फिर नीचे आने की कोशिश करता है, तो हम कम से कम इस हाई के साथ सेलिंग कर सकते थे, और यहाँ पे फिर बाजार नीचे की तरफ आता है। और अब एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर बाजार सपोर्ट लेगा तो 956 पे अगर सपोर्ट ले तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे की तरफ घर खुला हुआ है, करेक्ट। अब अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 18,175 से बाजार गिरना स्टार्ट हो, आधे घंटे का टाइम था आपके पास में, अगर आप डिसाइड करते हैं कि बाजार 18,200 को पार नहीं कर रहा और आप 18,200 की पुट में आप ट्रेड करते हैं तो कैसे ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है 1:30 के आसपास, अगर आप डिसाइड करते कि 18,200 की पुट ली जाए, क्योंकि 18,200 नहीं चल रहा है, 18,200 के स्टॉप लॉस के साथ में, ये आप ट्रेड कर सकते हैं, नेकेड ट्रेड कर सकते हैं, कोई हेजिंग करने की जरूरत नहीं है, पर बाजार का ट्रेंड पता होना चाहिए था इंट्राडे में। तो 1:30 पे 18,200 की पुट को अगर आप मार्क करने की कोशिश करें तो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ 18,200 की पुट यहाँ पे 1:30 पे, ये एरो है। यहाँ पे इसका प्राइस था जो क्लोजिंग हुई थी 324 के आसपास में, हाई था 331 का, लो लगाया 308 रुपये का, क्लोजिंग हुई 324 रुपये के आसपास। तो कहीं भी अगर आप 320, 303, 300 हाई पे भी पकड़ते, मान लीजिए 330 पे भी आपने हाई पे पकड़ा होता, 331 पे भी हाई पे पकड़ा होता, उसके बावजूद भी
इस पुट ने आपको 400 का हाई लगाया, 400 ऑलमोस्ट 410 के आसपास का। 300 का माल 400 बिक रहा है, मतलब 30% का रिटर्न विद इन व्हाट टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स के अंदर, 15 मिनट की 8 कैंडल है गाइस, और ये 1:30 से लेकर 3 बजे तक 30% का रिटर्न बाजार में कौन कहता पैसा नहीं आता। पेशेंस चाहिए आपको, अगर आप पेशेंस नहीं दिखा सकते, एक अच्छे ट्रेड की वेट नहीं कर सकते, पूरे दिन सट्टा मारना है, तो भैया ये बाजार जुआ है, जुआ ही रहेगा और आप और हम नुकसान खाते ही रहेंगे। बट अगर हम एक अच्छे ट्रेड की वेट कर सकते हैं तो हम क्यों काम नहीं कर सकते गाइस, ये टूल आपके लिए है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जिसके आपको हजारों लाखों रुपए फीस देनी है, तो भाई बाजार में बहुत चीज़ें अवेलेबल है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके ट्रेडिंग साल को बदल के रख देगा, बट आपको इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूरी एनालिसिस सीखनी है। दिल्ली की मास्टर क्लासेज ऑन है, 24 अप्रैल की क्लास है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। ट्रेंड कहाँ रिवर्सल करता है, बाजार अपने बॉटम कहाँ बनता है, स्टॉक से बॉटम कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बहुत अच्छे स्टॉक दिए, स्टील अथॉरिटी दिया 85 रुपीज़ के आसपास में, आज 106 के आसपास में है। मैंने आपको NRB बीयरिंग्स के लिए आपको मैंने कहा कि वो 110-115 रुपये के आसपास में बॉटम बना रहा है, आज वो 121-122-123 के आसपास चला गया। कितने स्टॉक्स हैं जो मैं आपको लगातार देता रहता हूँ, गुजरात गैस के बारे में मैंने आपको कहा वो तेज हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको हमेशा मैं सरप्राइज देता रहता हूँ। बॉटम की फिशिंग करता हूँ, बॉटम फिशिंग कौन कहता पॉसिबल नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल, बट इट इज़ पॉसिबल ओनली विद योर पेशेंस एंड प्रैक्टिस, बहुत ज़रूरी गाइस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाजार में बहुत मेहनत का पैसा आप लोग लेके आते हैं, बाजार में ट्रेड करके, एवी ट्रेड करके इसको बर्बाद मत कर दीजिए। एक अच्छे ट्रेड की अगर आप वेट करते हैं, मैं कहता हूँ अगर आपको 4 दिन में भी एक अच्छा ट्रेड मिलता है तो वो इंट्राडे का ट्रेड आपको 10-12-15% कुछ भी रिटर्न दे सकता है, कुछ भी। कितने सारे स्टॉक्स होते हैं जो कितना भाग जाते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, आप इक्विटी में परचेस करते हैं, जैसे मैं इक्विटी बाय करता हूँ, जब मेरे पास टाइम नहीं होता, टाइम होता है ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैंने अपने टाइम को डिवाइड किया, अपने स्टाइल को ऑफ ट्रेडिंग को डिवाइड किया है मैंने। मुझे मालूम है जब मेरे पास टाइम नहीं है मैं ट्रेड नहीं करूँगा, जब मेरे पास टाइम है तो मैं ट्रेडिंग करूँगा, जब टाइम नहीं है पोजिशनल ट्रेड करने वाला हूँ, स्विंग ट्रेड करने वाला हूँ। स्विंग ट्रेड करने के लिए अगर ट्रेंड के साथ में मैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को इन्वॉल्व कर देता हूँ तो गाइस सोने पे सुहागा है, बहुत ही क्लियर हूँ, मुझे मालूम है भैया डायरेक्शन कहाँ जाने वाली है, ऊपर से नीचे डाउन डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन है। तो 17,956 अगर टूटेगा तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर विद वॉल्यूम अगर टूटता है तो फिर आई कैन एक्सपेक्ट फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट 17,822। अब सोचिए चार्ट पे आपको दिखाता हूँ, क्या 17,956 नीचे 17,822 का कोई चार्ट टारगेट दिखता है आपको, 17,822 आपका कहाँ पे आता है गाइस, ये देखिए, ये जो आपका टारगेट है, ये देखिए गाइस, ये बड़ी कैंडल थी जो गैप से खुला था बाजार, है ना, ये यहाँ पे ये काय कैंडल 17,807 के आसपास में है। अब इतना डिविएशन आप मुझे दे सकते हैं, इतनी सी मुझे माफी दे सकते हैं कि 17,822 नौ के 807 है, 10-15 पॉइंट का निफ्टी में, 10-20-30 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एरर चल सकता है, इससे ज़्यादा मैं भगवान नहीं हूँ, कोई भी भगवान नहीं है, उतना एक्यूरेट कोई नहीं सकता, बट आई एम एक्चुअली नियर टू द एक्यूरेट, 95% से ज़्यादा की इसकी नियर टू द एक्यूरेसी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट 807 के आसपास में आ रहा है, आप सोच के देखिए, उसके बाद अगर मैं जाता हूँ तो फिर ये जो गैप से खुला था 730 के आसपास में ही एक गैप रहेगा पूरा, सोच के देखिए 800 से 730 के आसपास में बाजार जाकर रुकने वाला है, तो 700 के आसपास में फिर आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलने वाला है, तो मुझे मालूम है बाजार यहाँ से यहाँ जाने वाला है। तो जब भी बाजार खुलेगा मैं देखूंगा भैया ये सपोर्ट टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, सपोर्ट से अगर मान लो बाजार वापस बाउंस बैक करता है, अगर यहीं से ये बाजार आके बाउंस बैक करता है तो भैया मैं स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ, 17,956 के 20-30 पॉइंट नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्यों ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पे, फिर बाय करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे मैं ऑप्शन कौन सी बाय करूंगा, शायद 18,000 की कॉल बाय करने वाला हूँ, अगर इसको भी बाजार तोड़ता है तो 18,200 की पुट मेरी कैरी ऑन रहेगी, इसमें प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला हूँ मैं, और नई पुट मुझे ऐड करनी है तो 18,000 की पुट को भी मैं ऐड करने वाला हूँ, 18,100 की पुट को ऐड करने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा ये 18,100 रेजिस्टेंस बन जाएगा, 18,100 रेजिस्टेंस बन जाएगा तो मैं 18,100 की पुट को ऐड करूंगा, बट ओनली आफ्टर लुकिंग एंड कंफर्मिंग दी ट्रेंड, दिस इज हाउ आई ट्रेड माई कैलकुलेटर। सो इफ यू नीड माई कैलकुलेटर, कॉल माई टीम राइट अवे, नीचे आपको नंबर दिए हुए हैं, आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, अकाउंट में एक्टिव रहना चाहते हैं तो कैलकुलेटर फ्री है आपके लिए, आप सीखना चाहते हैं तो भी कैलकुलेटर आपके लिए फ्री है, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो कैलकुलेटर पेड है, उसकी फिर फीस है, फिर ये फ्री में आपको कोई ट्रायल नहीं है, ट्रायल इज ओनली 5,900 रुपीज़, ट्रायल बहुत महंगा गाइस इसके लिए, तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप ट्रायल पसंद नहीं करेंगे, आप या तो अकाउंट खोलेंगे या क्लासेस में आइए, इफ यू रियली वॉन्ट टू एंजॉय द मार्केट लाइक आई डू। दोस्तों दो शेयर की और आपसे बात करता हूँ, पहला शेयर की बात करता हूँ मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को मैंने आपको किस समय कहा था एक बॉटम बन रहा है, क्या बॉटम बन रहा है गाइस, ये वो टाइम था, ये वो प्राइस था
है कि नहीं, ये कैंडल लगी है ट्रेंड कंफर्मेशन करने के लिए। नॉर्मल कैंडल्स में भी आपको दिखाता हूँ, ये वो टाइम था 1900 के आसपास। मैंने आपको क्लियर कट एक वीडियो दिया था, क्लियर कट वीडियो दिया था, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि क्या हिंदुस्तान लीवर का बॉटम बन गया। इससे ज़्यादा आपको हिंट क्या दे सकता हूँ आपको, मैं बॉटम फिशिंग करने में पसंद करता हूँ गाइस, ये मेरा फेवरेट हॉबी है, स्टॉक मार्केट मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है। बॉटम पे हमने आपको हिंदुस्तान लीवर पकड़ के दिया। जुबिलेंट फूड, मैंने आपको कहा कि आप जुबिलेंट फूड में एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना के दिया है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही 2500 के लेवल थे। सोचिए यहाँ पे इनके सीईओ ने रिजाइन किया, बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने कहा कि 2130 आएगा। मैंने बहुत ही क्लियरली कहा अगर 2130 आएगा तो घर बेच के पैसे लगाएंगे भाई। इस कंपनी ने यहीं से बाउंस बैक किया एग्जैक्टली, और कंपनी 2800 पे पहुंच गई, 2850 के आसपास में, बिल्कुल बॉटम से 2500 से भाग के 2800। वीडियो का प्रूफ चैनल पे मौजूद है गाइस, इसको जाके देखिए। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं यही बॉटम फिशिंग, देन दिस मास्टर क्लास इज फॉर यू, दिस इज अ मस्ट क्लास गाइस। और ये कंटेंट जो मैं देने वाला हूँ, जिस स्टाइल से मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कोई नहीं सिखा सकता है, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको। और अगर आप क्लासेस में मेरे साथ जुड़ते हैं तो मेरे साथ आप लाइफ टाइम जुड़े रहते हैं डायरेक्ट मुझसे, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास में होगा, आप कभी भी कहीं अटकते हैं आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जो कॉल नहीं करेगा मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल भी सपना नहीं आएगा कि कौन कहाँ परेशान है, बट अगर आप मुझसे टच में रहेंगे तो यस गाइस बिलीव मी आई विल रियली हेल्प यू बाय होल्डिंग योर हैंड्स, मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्म करती है, आज कैसा परफॉर्म किया बैंक निफ्टी ने। दोस्तों बैंक निफ्टी ने बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया और एक हाई के आसपास में रेजिस्टेंस फेस हुआ। बाजार 38,800 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा था और काफी देर उस पर स्ट्रगल किया और बाजार वहां से नीचे आया। तो यहां पे अगर देखा जाए तो 1 बजे के आसपास में, बिल्कुल 1:30 के आसपास में कंफर्मेशन आपको बैंक निफ्टी की भी आ रही थी। तो यहां पे बैंक निफ्टी 38,750 के आसपास में बैंक निफ्टी चल रही थी। तो अगर बैंक निफ्टी को हम देखते 38,750 के आसपास में, आप इसको मैनुअली भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल किसी भी टाइम पे लाइव मार्केट में, 38,750 के आसपास में, मैं बहुत ही क्लियर हूं कि भैया जब तक 38,809 के ऊपर बाजार नहीं चलेगा, एक टफ रेजिस्टेंस फेस करेगा, बाजार नीचे आएगा ही आएगा। तो यहां पे कम से कम दो टारगेट्स मुझे मिलने वाले, 38,400 तक के टारगेट तो मुझे मिलने ही वाले हैं। तो यहां पे बैंक निफ्टी के जो टारगेट रहे 38,000 तक बैंक निफ्टी निकल गई और हमारा जो टारगेट थे वो 38,400 38,220 को भी बीट करके निकल गई। 700 से लेके 38,000 तक 700 पॉइंट बैंक निफ्टी के मिलते हैं आपको, ठीक है ना, हम 400 पॉइंट भी मिलते तो हम खुश थे। तो क्या यहां पे हम बैंक निफ्टी को ऑप्शन से ट्रेड कर पा रहे थे? अब बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स हमारे बाजार में आ गए? अब 38,000 के आसपास की बैंक निफ्टी क्लोजिंग है। तो आज की क्लोजिंग को अगर मैं पकड़ लेता हूं, 38,000 की रफ फिगर मान लेते हैं, तो यहां पे 38,025 विल बी अ वेरी वेरी टफ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर बाजार चलेगा तो ही मजा आने वाला है, तो ही बाजार में मैं बाय करने वाला हूं, फिर मैं 38,000 की कॉल परचेज करके ट्रेड करने वाला हूं अगर बाजार यहां से मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है यहां से ऊपर जाने के लिए। अदरवाइज मैं 38,000 की पुट को कैरी करूंगा या 38,700 से बाजार गिर रहा था तो मैं 38,800 की अगर मैं पुट में काम करता तो मुझे कितने पैसे आते, ये देखिए दोस्तों। 38,800 की पुट 1:30 पे 900 रुपए ट्रेड करी थी, जो बाद में बढ़ के 1342 मतलब 342.1 लॉट में आपको बैंक निफ्टी के मिलते ऑप्शन ट्रेड करके। बट वो कब मिलते हैं? जब आपको पता होता बाजार यहाँ से गिरने वाला है। जब बाजार गिरने वाला था तो मैं इन द मनी में काम करता हूँ, ये मैंने लाइव सेशंस में आपको सिखाता रहता हूँ। तो इस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन सिखाने के लिए लोग हजारों रुपए ले लेते हैं, लाखों रुपए ले लेते हैं। ये तो मैं लाइव सेशंस में आपको फ्री में सिखाता आया हूँ कि आपको इन द मनी में, एट द मनी में काम करना है। जब बाजार की कंफर्मेशन मुझे मिल रही थी कि बाजार नहीं चल रहा, 38,800 के ऊपर नहीं जा रहा, 38,809 के ऊपर में मेरा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बाजार चलेगा तो ही तेजी करने वाला हूँ, ये मेरे को बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ से गिरने वाला है। तो गिरने वाला है तो मैं 38,800 की पुट लेके बैठता आराम से, इससे मुझे बहुत बढ़िया तरीके से पैसे आने वाले थे। तो निफ्टी में बैंक निफ्टी पैसे बनाते हैं। यहां पे जब 38,800 की जो पुट थी जो 927 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रही थी, तो यहां पे इसको कैसे ट्रेड करते हैं? 900 रुपए का ब्रेकआउट था, मतलब यह मेजर सपोर्ट था, इसके ऊपर में ब्रेकआउट है, 927 ट्रेड कर रही है, बाजार चलना स्टार्ट हुआ, पुट चलनी स्टार्ट होती है तो कम से कम 960 रुपए, 900 का माल 960 भी मिलता है तो अच्छी खासी रिटर्न आपको मिलती है। आप धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं, जैसे बाजार ने 990 इसका हाई लगाया तो वहां पे क्या लेवल निकल के आते रहे, तो और आप उसको ट्रेल कर सकते हैं नीचे के लेवल को सपोर्ट की तरह ट्रेल करते चलिए। बाजार में पैसा कमाने के तरीके बहुत है गाइस, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू ट्रेड द मार्केट्स। अब बाजार कहां जाने वाला है, अब बाजार की जो क्लोजिंग है दिस इज नियर 38,000, तो निफ्टी जब तक 38,025 के ऊपर नहीं चलेगी आई विल नॉट बी टेकिंग ए लॉन्ग ट्रेड। तो यहां पे प्रेशर में रहने वाला बाजार, एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, हाई पे बाजार वापस आया है, वॉर सिचुएशंस, ये सिचुएशन, सब चीजों को बाजार ने टैकल किया, बाजार ने सरप्राइज किया। HDFC DO का जो मर्जर है वो एक बड़ी न्यूज रही है। कल का जो बाजार चला था वो HDFC DO की वजह से चला था, HDFC बैंक अपनी पेरेंट कंपनी HDFC में मर्ज होने वाला है। अगर आपको ये नहीं पता कि HDFC पेरेंट है या HDFC
एचडीएफसी बैंक पेरेंट, तो मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी बैंक जो वर्जन है वो एचडीएफसी से निकला हुआ है, तो एचडीएफसी पेरेंट कंपनी इसलिए उसमें मर्ज होने वाला है। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आपको दूंगा, तो उसका आप वेट कीजिएगा। यहां पे अब मेरा क्लियर कट वर्जन है कि 38,000 के ऊपर ही मैं ट्रेड करने वाला हूं, उससे पहले मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है। ट्रेडिंग बहुत आसान है, ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आपके पास सही स्टडी, सही सेटअप और सही टूल्स का होना बहुत बहुत जरूरी है। सो गाइस, मिलते हैं दिल्ली की क्लास में 24 अप्रैल को, सीखते हैं कि बाजार के ट्रेंड को कैसे पकड़ा जाए, बाजार को बॉटम फिशिंग कैसे की जाए और एनालिसिस कैसे कहते हैं, और स्टॉक मार्केट यस वाकई बच्चों का खेल है अगर आपके पास सही सेटअप और सही टूल्स हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे कीजिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।